घरेलू विवाद के चलते मां का खून करने वाले बेटे को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजेट खान ने फांसी की सजा सुनाई। 23 मई को न्यायालय ने यह निकाल दिया। कौस्तुभ हेमंत कुलकर्णी उम्र 33 साल ने अप्रैल 2016 में तुकुम परिसर में अपनी ही मां की निर्मम हत्या की थी। कौस्तुभ तुकुम परिसर में अपनी मां अंजलि उम्र 59 साल, पिता हेमंत उम्र 60 साल, पत्नी पद्मजा उम्र 28 साल के साथ रहता था। कौस्तुभ पर काफी कर्जा था, जिससे कौस्तुभ का घर वालों के साथ विवाद होता रहता था। 20 अप्रैल 2016 को भी इसी वजह से विवाद हुआ। गुस्से में आकर कौस्तुभ ने मां अंजलि के हाथ की नस काट डाली, पश्चात गले पर तेज हथियार से घाव किए। मां की जगह पर ही मौत हो गई। ये ध्यान में आते ही कौस्तुभ अपने घर से भाग गया। पश्चात कौस्तुभ की पत्नी पद्मजा ने उसका मायका चंद्रपुर में होने से ही अपने भाई संतोष नायडू उम्र 31 साल को बताया कि कौस्तुभ ने अपनी ही मां का खून किया है और वो आत्महत्या करने गया है। कौस्तुभ को ढूंढो, ऐसा उसने अपने भाई को कहा। कुछ समय पश्चात संतोष नायडू ने रामनगर पुलिस स्टेशन में तकरार की। घटनास्थल पर पुलिस दाखिल हुई तो अंजलि कुलकर्णी रक्त के बीच मृतावस्था में पाई गई। पुलिस ने आरोपी कौस्तुभ कुलकर्णी के ऊपर गुन्हा दाखिल कर उसको अटक की। सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद पाचपोड़ इन्होंने इस प्रकरण में छानबीन की और न्यायालय में दोषारोपण पत्र दाखिल किया। 23 मई को सत्र न्यायाधीश खान इन्होंने साक्षीदार पुरावे की जांच पड़ताल कर आरोपी कौस्तुभ कुलकर्णी को कलम 302 अंतर्गत फांसी, कलम 201 अंतर्गत 5 वर्ष कारावास, 1000 रुपए दंड, न भरने पर 1 महीना कारावास ऐसी ऐतिहासिक सजा सुनाई। सरकार की ओर से इस प्रकरण में एडवोकेट आसिफ सत्तार शेख ने काम किया। चंद्रपुर सत्र न्यायालय में इस प्रकरण में सुनावनी शुरू थी। 2 साल बाद न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इस प्रकरण में पुलिस निरीक्षक संपत चौहान, पुलिस निरीक्षक डीबी गोतमारे, सहायक पुलिस निरीक्षक निर्मला कन्ना के, सुधीर जाधव, सुरेश धाड़से, दिनकर धोबे, मनोहर कामड़ी, अजय गिरटकर, राजू मेश्राम, मुजावर अली, प्रमोद कोटना के इन्होंने सबूत जमा किए। कुलकर्णी मर्डर केस में फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसमें उसने अपने माँ का बहुत ही निर्गुण तरीके से खून किया था। खुद की ही माँ को 20 लाख रुपये का उसके ऊपर कर्जा हो गया था। उसको कर्जे को फेड़ने के लिए वो माँ की तरफ हमेशा घर बेचने की के लिए बोलता था, जिससे उनका झगड़ा हुआ। और इंसिडेंट के दिन उसने पहले जब वो उसकी माँ जब पूजा कर रही थी, तब उसने एक रॉड से उसके सर पे मारा। उसके बाद उसके हाथों के दोनों नसें काटे, दोनों हाथों के नसें काटे, और फिर उसका मुंह में कपड़ा डालने को किया। तब उसकी उंगली उसकी माँ ने काट ली, और उसके बाद गला काटा उसने अपने माँ का, और रूम में लेके जाके रख दिया। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया जगह पे से, और 3 दिन तक वो गायब रहा। और पुलिस ने उसको पकड़ के लाके, और जो मैसेजेस भागने के बाद उसने जो मैसेजेस किए, मैसेजेस में उसने कबूली दी कि मैंने अपने माँ का खून किया हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ करके इस तरीके से उसने मैसेजेस किए। वो मैसेजेस के ऊपर से पुरावा लिया गया पुलिस स्टेशन रामनगर ने, और साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स ने उसके पूरे डिटेल्स निकाले मोबाइल के, और पूरे मैसेजेस जो है वो सबूत के तौर पे कोर्ट के सामने रखा गया। उन सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई फांसी की, कि अपनी खुद की माँ को, जिसने इतने दिन उसका पालन पोषण किया, उसी को इस बुरी तरीके से उसने जो मर्डर किया है, वो सोसाइटी को भी एक मैसेज जाना चाहिए कि कोई अपने माँ के साथ, खुद की माँ के साथ इस तरीके से ब्रूटली जो खून किया है उन्होंने, तो उसमें ये बहुत ही गलत बात है। और पूरी तरीके से प्रोसिक्यूशन ने, हमारे सरकारी हमने भी इसमें बहुत प्रयत्न किया है, और सजा दिलाने के लिए जो भी हमारे पास सबूत थे, मेन बोले तो सबूत बोले तो उसके मैसेजेस जिसमें उसने कबूली दिया था, वो मैंने कोर्ट में जब बयान लिए गए, उसके जो जो भी विटनेसेस थे इसमें, जो भी गवाहदार थे, उसकी मेन विटनेस बोले तो उसके पिताजी, बहन, उसकी बीवी, ये थे, और वो पलट गए कोर्ट में अपने बयान से। लेकिन उसके बाद भी जो मोबाइल के जो मैसेजेस थे, वो मैंने कोर्ट में मोबाइल बुला के उसको चार्जिंग करके पावर बैंक से कोर्ट के सामने जब वो विटनेस को बताया मैंने कि भाई ये मैसेजेस आपकी इसमें आए क्या आपके मोबाइल पे,
तो उन्होंने वो उसको मना नहीं कर पाए और उन्होंने कबूल दी, हाँ हमारे मोबाइल पे इसने आरोपी ने इस तरीके से मैसेज दिए। उसी के साथ खून के धब्बे जो थे, दाग थे, वो उसके कपड़ों पे पाए गए, जिसमें फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने उसका रिपोर्ट दिया कि मृतक जो थी माँ, उसके खून के दाग उसके आरोपी के कपड़ों पे मिले। उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, डीएनए रिपोर्ट आया, तो जिसमें से सिद्ध हो गया कि भले ही यहाँ पर कोई आई विटनेस नहीं था, लेकिन जो सरकमस्टेंस थे, और आखिरी बार सिर्फ आरोपी ही अपने माँ के साथ था, इसी वजह से कोर्ट को ये कंक्लूजन निकालने में कोई तकलीफ नहीं हुई कि हाँ इसने ही उसका मर्डर किया है, अपने माँ का मर्डर किया, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर किया है, इसलिए कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई। 2016 में आरोपी नामक कौस्तुभ कुलकर्णी, जिसने अपने माँ की निर्मम हत्या की थी, उसके सिलसिले में रामनगर पुलिस थाने में मर्डर का गुना दाखिल हुआ था। उसका प्राथमिक तपास एपीआई किन्ना के, WAPI किन्ना के जिन्होंने किया था, उसके बाद हमने खुद इसकी तहकीकात की थी। तपास के दौरान सभी एविडेंस हमने कलेक्ट किए थे, कोर्ट में उसके साक्ष्य पुरावे चले। उसमें हमने आरोपी ने ये निर्मम हत्या किस कारणवश की, इसकी पूरी एविडेंस हमने कोर्ट के सामने पेश की। आरोपी ने माँ की जो निर्मम हत्या की थी, उसका कारण उसने जो 20 लाख का लोन लिया था अपने धंधे के लिए, उसके वजह से टेंशन लेकर उसने अपनी माँ की हत्या की थी, उसमें माँ का कोई कसूर नहीं था। तपास के दरमियान, साक्षी पुरा के दरमियान जितने भी विटनेस थे वो सब हॉस्टाइल हो गए थे, फिर भी कोर्ट ने, हमने जो एविडेंस पेश किए थे उसके आधार पर आरोपी को फांसी की सजा दी थी।